दोस्तों आपने कई रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे, पर जिन रेलवे ट्रैक्स को आप देखते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। लेकिन आज हम कुछ ऐसे रेलवे ट्रैक्स देखने वाले हैं जिसे आज से पहले ऐसे रेलवे ट्रैक्स आपने नहीं देखे होंगे, और ये ट्रैक्स इतने ज़्यादा खतरनाक है कि यहाँ पर कमजोर दिल वाले लोगों को जाने से रोका जाता है। तो चलिए जानते हैं इन खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के बारे में। नंबर 1, डेथ रेलवे ट्रैक। दोस्तों आप इसके नाम से ही जान गए होंगे कि यह ट्रैक कितना खतरनाक है। ये रेलवे ट्रैक थाईलैंड के शहर बैंकॉक को बर्मा के शहर रंगून से जोड़ता है। इसकी पूरी लंबाई 415 किलोमीटर है। इस रेलवे ट्रैक से करीब 90,000 से भी ज्यादा लोगों ने कवाई नदी में गिरकर अपनी जान गंवा दी। इसी वजह से थाईलैंड के इस रेलवे ट्रैक को डेथ रेलवे ट्रैक भी कहा जाता है। इस घटना के बाद इस रेलवे ट्रैक को 1947 में पूरी तरह से बैन कर दिया गया था, लेकिन इसके करीब 10 साल के बाद इस रेलवे ट्रैक को फिर से ओपन कर दिया गया। ये रेलवे ट्रैक जंगलों के बीचों बीच पहाड़ों के नजदीक से गुजरता है, और जब इसके ऊपर से रेल गुजरती है तो ऊंचाई देखकर लोगों के पसीने छूट जाते हैं। असो मनामी रूट। दोस्तों जापान के ये रेलवे ट्रैक को दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक माना जाता है, क्योंकि इसकी पटरी का कुछ भाग पतले लोहे के पुल से गुजरती है, और इस पुल पर ड्राइवर को ट्रेन बड़ी सावधानी से चलाना पड़ता है, क्योंकि इसके ट्रैक के दोनों तरफ से एकदम खुला होता है, और अगर ऐसे में ड्राइवर से एक भी गलती हुई तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है और ट्रेन में बैठे हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, आगे ये रेलवे ट्रैक एक विनाशकारी ज्वालामुखी के पास से गुजरता है, और इस ज्वालामुखी का नाम है असो मनामी, जो कि जापान के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक है, और यहां से ट्रेन में सफर कर रहे यात्री इस ज्वालामुखी को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अगर इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो इन यात्रियों को कोई भी बचा नहीं सकता। रामेश्वरम रेलवे ट्रैक। दोस्तों अभी तक आपने दूसरे देशों के खतरनाक रेलवे ट्रैक को देखा, लेकिन अब हम अपने देश भारत का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक के बारे में जानेंगे। दक्षिण भारत में मौजूद रेलवे ट्रैक तमिलनाडु के रामेश्वर को पंबम द्वीप से जोड़ता है, इसलिए इसे पंबम ब्रिज भी कहा जाता है। इस ब्रिज की पूरी लंबाई 2 किलोमीटर है, और जब इसके ऊपर से ट्रेन चलती है तो ट्रेन के अंदर बैठे लोगों को चारों तरफ दूर दूर तक समुद्र का पानी ही दिखाई देता है, और जब यहाँ ट्रैक के पास पानी के खतरनाक लहरें आती हैं तो यात्रियों के सांस रुक जाते हैं। यहाँ पर सफर इतना खतरनाक होता है कि यात्रियों को तो छोड़िए ड्राइवर के भी पैर थर थर कांपने लगते हैं। मेकलोंग मार्केट रेलवे ट्रैक। दोस्तों ये रेलवे ट्रैक देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जिस जगह से ये रेलवे ट्रैक गुजरता है वहाँ पर सबसे बड़ी सब्जी मंडी लगती है। यहाँ पर जगह की कमी होने की वजह से लोग रेलवे ट्रैक के ऊपर अपना दुकान लगाते हैं। इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि जब यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो सब्जियाँ और रेल के पटरियों में केवल 1 या 1.5 फीट की दूरी होती है। रेल के आने से पहले ही लोग अपना सभी सामान हटा लेते हैं, और जैसे ही वहाँ से रेल गुजर जाती है तो लोग फिर से अपना सामान रेल के पटरियों पर रख लेते हैं। ऐसे में अगर अचानक में ट्रेन आ गई तो लोगों के साथ क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं। ट्रेन टू दी क्लाउड। दोस्तों अर्जेंटीना में बना यह रेलवे ट्रैक दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक है। इसका निर्माण 1948 में किया गया था। जमीन से इस रेलवे ट्रैक की ऊंचाई करीब 4,220 मीटर है, और इसे बनाने में पूरे 27 साल का समय लगा था। अर्जेंटीना के इस रेलवे ट्रैक को ट्रेन टू दी क्लाउड भी कहा जाता है। यह ट्रैक 21 सुरंग और 29 पुलों से होकर गुजरता है। इसकी ऊंचाई से ही लोग यहाँ पर आने से कतराते हैं। इसके साथ ही यह रेलवे ट्रैक अंडेसीन माउंटेन से होकर गुजरता है, और यह खतरनाक ट्रैक उत्तरी पश्चिम अर्जेंटीना को चिली देश से जोड़ता है। इसकी इतनी ऊंचाई होने की वजह से हर दिन वर्कर्स इस ट्रैक की अच्छे से जांच करते हैं, और अगर इन्हें कोई थोड़ी सी भी कमी दिखाई देता है तो उसे तुरंत ठीक किया जाता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही की गई तो नतीजा बहुत ही बुरा हो सकता है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक, जहां पर जाना अपनी मौत को दावत देना पड़ सकता है। आपको इन सभी रेलवे ट्रैक में से सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक कौन सा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।